भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा एनएच 232 टांडा बांध मार्ग। अंबेडकर नगर जिला अधिकारी द्वारा नामित जांच कमेटी पहुंची जांच करने। प्रथम दृष्टिया घटिया सामग्री लगाने का अनुमान, जांच कमेटी ने विशेषज्ञ टीम गठित करने की करेगी सिफारिश। निर्माणाधीन नेशनल हाईवे एनएच 232 के बाईपास पर तमसा नदी के ऊपर बना पुल टूटा, गुणवत्ता पर सवालिया निशान। डीएम ने एनएच 232 का किया था औचक निरीक्षण। डीएम ने शासन को भेजा शिकायती पत्र, आईआईटी रुड़की से भी जांच कराने की मांग। एसडीएम सदर अभिषेक पाठक के नेतृत्व में गठित की थी 3 सदस्यीय जांच कमेटी। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल, नेशनल हाईवे 232 जो टांडा से बांध निर्माणाधीन है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। अभी से कई जगह दरारें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तमसा नदी के ऊपर बने पुल पर छत धस गई, जिसे निर्माण एजेंसी पुनः तोड़कर बनाने में जुटी हुई है। जिलाधिकारी अंबेडकर नगर सुरेश कुमार ने इसका निरीक्षण किया था और जांच कमेटी बनाने के साथ ही शासन को पत्र भी लिखा है। जिलाधिकारी ने पाया था कि मानकों के विपरीत बहुत ही घटिया निर्माण हो रहा है। सुल्तानपुर जनपद से अंबेडकर नगर के बीच 60 किलोमीटर में कई जगह गड्ढे एवं दरारें पड़ी हुई हैं। पहले एक लंग की गाड़ी चल रही थी, मुझे फिर टूट गया, फिर हम लोग मजबूरी में नीचे आ रहे थे, गाड़ी नहीं चल रही है, उसके वजह दिक्कत हो रही है। अभी तक पुल नहीं बना है। पुल कब से टूटा है? अरे पिछले महीना था, हम लोग आए थे, फिर एक लंग रास्ता है, फिर देख रहा है इधर चालू कर दिया रास्ता, बहुत पहले टूटा है। छोड़ा जा रहा है, क्या मामला है, किस तरीके की जांच की जाए? ये पुल से कुछ ट्रैक्स आए थे और फिर जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर जांच कमेटी गठित हुई। जांच कमेटी के द्वारा जांच की जा रही है और प्रथम दृष्टिया जो है, जो निर्माण में जो सामग्री उपयोग में आई है उसमें कुछ कमियां दर्शित हो रही हैं। उस सामग्रियों की जो एक सामग्री को इकट्ठा करके सैंपल लेकर और IIT BHU में उसको भेजा जाएगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार जो कार्रवाई। ये किस मार्ग का? ये NH 232 232 के संबंध में पर एक पुल का निर्माण हो रहा था, उसमें कुछ कमियां परिलक्षित हुई। ऐसे में जो है यातायात तो काफ़ी, यातायात अभी यहाँ पे शुरुआत नहीं हुई थी लेकिन कुछ यातायात अभी यहाँ पे चल रहा है, उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ है लेकिन अभी पूरी तरह से सुचारू रूप में मार्ग चल नहीं रहा। निर्माण इकाई का इसमें कुछ भी वक्तव्य नहीं आया, हमें जांच रिपोर्ट सौंपने की बात टाइम दिया गया है, उस समिति उस टाइम पीरियड में जांच रिपोर्ट समझेगी अधिकारी। प्राथमिक स्टेज में क्या निकल गया है? प्राथमिक स्टेज में निकल गया यह है कि जो मटेरियल जो यूज़ हुआ है उसमें कुछ कमियां परिलक्षित हुई और उन कमियों के कारण ही स्कूल में ट्रैक आए हुए हैं।